आज संस्कार की चर्चा हम सब कर रहे हैं। संस्कार हर व्यक्ति को जरूरत है। यदि जीवन में संस्कार ना हो तो हम विकास नहीं कर सकते हैं, इसलिए संस्कार की जरूरत है। सत्य का परिचय होना जरूरी है। आज इस घर में एक बच्चा जन्म लिया, उसके उपलक्ष्य में सब लोग इकट्ठा हुए हैं। सौभाग्यशाली वो माँ बाप हैं, सौभाग्यशाली वो परिवार है। लेकिन तब सौभाग्यशाली है जब अपने अंदर मातृत्व भाव पनपा पाए। कोई किसी के कोख से बच्चा पैदा होने मात्र से कोई माँ नहीं बन जाती है। आप लोग ध्यान देंगे, जिनके माँ जो बच्चे हैं उनके माँ बाप तो यहाँ नहीं है, आप लोग बता दीजिएगा। आप सबके लिए है। कोई बच्चा पैदा कर देने मात्र से कोई माँ और पिता नहीं बन जाते हैं, इस चीज़ को आप सब दिमाग में बिठा लीजिएगा। बहुत से लोग हैं जो बच्चा पैदा करके बच्चे को आतंकवाद और नक्सलाइट बना देते हैं, क्या वो माँ बन गई, क्या पिता बन गए। बहुत से लोग हैं जो बच्चे पैदा कर देने के बाद में अपने ही पुत्र के साथ में प्रेम का व्यवहार नहीं कर पाता है, क्या वो पिता बन गया। अपने ही पिता पुत्र के साथ में नफरत का बीज बो देता है, क्या वो पिता बन गया। आपने जन्म दिया, जन्म के साथ में उनको सब कुछ दिया और संस्कार नहीं दिया, तो आप भी सही माँ बाप नहीं बने। मैं बीच बीच में कहा करता हूँ, यदि आप बच्चे को उपहार नहीं देंगे तो बच्चे 4 दिन रोएंगे 6 दिन रोएंगे 4 महीना रोएंगे 6 महीना रोएंगे, और बच्चे को संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे जीवन भर रोएंगे और आपको भी रुलाएंगे। आप बच्चे को क्या संस्कार देते हैं। बच्चे को आप गाड़ी देते हैं, मोबाइल देते हैं, घर देते हैं, सब कुछ तो देते हैं, लेकिन क्या जीवन के बारे में भी बताते हैं। बच्चा जैसा पैदा होता है उसको पढ़ाने लिखाने के लिए इतना जोर डाल देते हैं, और डालना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी है, पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप बच्चे को संस्कार दीजिए। क्या बच्चे के लिए आपके पास में 1 घंटा टाइम बचता है 24 घंटा में से? आपके पास नहीं है टाइम, हकीकत कहूँ तो। आपके घर में, किसी के घर में बैठ करके चर्चा नहीं होती होगी कि आप अच्छे इंसान कैसे बनो, आप अपने बच्चे को नहीं कहते होंगे। आप ये कहते होंगे मास्टर कैसे बनना है, वकील कैसे बनना है, जज कैसे बनना है, खेती कैसे करना है, मकान कैसे करना है, गाड़ी कैसे चलाना है, ये सारे एजुकेशन आप खुद देते हैं। क्या ये भी पढ़ाई कराते हैं आप कि आप अच्छे इंसान बन जाओ? क्या आप अपना चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे इंसान बने? आप चाहते हैं तो, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि आप जीवन में नहीं करते हैं। और परिणाम का है, परिणाम क्या है, नहीं होता है उसका। आप अपने घर में लड़ते हैं, मतलब आप बच्चे को संस्कार अच्छा नहीं दे सकते। यदि आपके घर में देरान और जेठान में लड़ाई होती है, सास और बहू में लड़ाई होती है, आपस में प्रेम का वार्ता, आपके दिल से प्रेम का फुहारा निकलना चाहिए। आपके लिए सबके लिए हित की बातें निकलनी चाहिए। आपके अंदर सबके लिए आभार होना चाहिए, प्रेम का उद्गार होना चाहिए। हम अपने अंदर नफरत का बीज इतना भर लेते हैं कि हमको अपने ही पराए लगते हैं, अपने ही माता पिता पराए लगते हैं, अपने ही देरान जेठान पराए लगते हैं, अपने ही बच्चे पराए लगते हैं। क्या माँ बाप बन गए? मात्र कोख से बच्चा पैदा करने से माँ बाप बन गए? आपने जीवन की सारी कमाई लुटा देते हैं बच्चे के लिए। आपके पास में यदि 1 करोड़ रुपया संपत्ति है तो अपने जीवन की 1 करोड़ संपत्ति बच्चे को लुटा देते हैं। क्या कभी अच्छे इंसान बनने की शक्ति उन पर आपने फिदा हुआ है उसके लिए? आपने अच्छे इंसान बनने की शक्ति उनको दिए हैं कि नहीं दिए? नहीं दिए तो बेकार चला गया। अभी नवरात्रि चल रही है, दुर्गा है, प्रतिमा बिठाया गया है, आपको बुरा लगे तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हकीकत बताऊँ, जिस दुर्गा को बिठाया गया है ना, वो मिट्टी का लेपन, रंग का पेंट, कपड़े से पहनाया गया है, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकती है। आपके निष्ठा है बिठाइए, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकती है। जितना निष्ठा और भाव से उस दुर्गा की पूजा हो रही ना, उतना निष्ठा और भाई भाव से कोई भी मतपंथ के हो, मैं ही नहीं कहता हूँ कबीरपंथी हो,
कोई भी मत पंथ के हो, उतना निष्ठा और भाव से अपनी सासू माँ की पूजा करती ना, तो मैं गारंटी से कहता हूँ उनका घर स्वर्ग बन जाता, उनका घर स्वर्ग बन जाता। उस दुर्गा के लिए पूजा, और जो दुर्गा जिस घर में दुर्गा है, जिन्होंने हमको पैदा किया, उसके साथ नफरत का बीज, क्या घर स्वर्ग बन जाएगा? इतने भाव से सब गाते हैं, और वही भाव से गाने वाले और वही पूजा करने वाले, अब ये नहीं, इसका मतलब नहीं कि जो पूजा करते नहीं वो लोग अच्छे होते हैं, ना ये भी नहीं कह सकता मैं, जो पूजा नहीं करते हैं वो भी अच्छे नहीं होते हैं, जो पूजा करते हैं उसके लिए ही नहीं है। जो भी नफरत का भाव रखें, प्रतिमा बिठाई गई है दुर्गा की, वो सिर्फ मिट्टी में नहीं है दुर्गा, दुर्गा प्रतिमा का मतलब होता है हर प्रतिमा में दुर्गा है, हर प्रतिमा में पहचानने की शक्ति चाहिए। आप पहचानिए जीवन को, बच्चे को अच्छा शिक्षा दीजिए, आप अच्छा संस्कार दीजिए, आप बच्चे को परमात्मा और आत्मा बाहर मत भटकाइए, आप बच्चे को आत्मज्ञान की बातें बताइए, बच्चे को दूसरे पर आधारित मत करिए, भगवान के भरोसे बच्चे को मत बिठाइए। आप अपना खेती के काम अपने बाहुबल पर करते हैं, और जब अध्यात्म की बात आती है तो भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। और भगवान के भरोसे छोड़ने वाले, मैं हकीकत आपको बताऊं, अभी नाट्यकला चलता है, पुजारी होते हैं उसमें से 99% पुजारी और नाट्यकला करने वाले लोग पीते और खाते। एक नया सदस्य का आगमन हुआ है और उसके इस जन्म छठी संस्कार पे दूर दूर से हमारे संत महात्मा जन पधारे हुए हैं। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी हमारी सृष्टि होती है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझें। एक बार एक संत अपनी कुटिया में रहा करते थे और उस कुटी के जस्ट सामने एक वेश्या का घर था। संत जब अपने घर से निकलते थे उनकी दृष्टि उस वेश्या के नज़र पर पड़ते ही सोचते थे कि यह देह का व्यापार करने वाली यह कैसी नीच है। उनके मन में अनेक प्रकार की उनके लिए एक घृणा का शब्द निकलता था, अपने मन में हमेशा उनके लिए घृणा का बीज बोता था। लेकिन वह जो वेश्या थी वह जब भी उठती अपने घर से तो घर से उठते ही उनके मन में होता था, मैं तो ये देह के व्यापार में इस तरह से भूल गई हूँ, लेकिन ये संत कितने अच्छे हैं जो सुबह उठते ही ध्यान सत्संग भजन लोगों को अच्छे प्रेरणा देने में लगे हुए हैं। उनके मन में इतनी अच्छी भावनाएं बनती जाती थी और वो अपने मन मन उस संत को धन्यवाद दिया करती थी कि धन्य है मैं इस संत के कुटी के सामने मेरा निवास है जो मैं ऐसे महान पुरुषों का दर्शन करती हूँ। लेकिन जब भी मेरा जन्म हो तो मैं पूर्व जन्म में मेरा कैसा संस्कार रहा और मेरी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो मैं इस व्यापार में लग गई, लेकिन भविष्य में मेरा जब भी जन्म हो तो मैं ऐसे संत महापुरुषों का दर्शन और सत्संग करूं, उनके जीवन का अनुसरण करूं, वह ऐसे मन में सोच सोच कर दिन बिताती थी।
कहा जाता है, जब संत इस दुनिया से गए और वह वेश्या भी इस दुनिया से गई, क्योंकि इस संसार का अटल नियम है, जो जन्म लेता है उसको एक दिन मृत्यु के गोद में जाना पड़ता है। ऐसा कोई जीव नहीं जो जन्म लिया हो और मृत्यु के गोद में ना गया हो। केवल मनुष्य मात्र नहीं बल्कि प्राणी मात्र को एक दिन मौत का सामना करना पड़ता है। तो दोनों का जब शरीर छूटा तो कहते हैं कि वह जो वेश्या थी उनके मन में हमेशा अच्छी भावना की वजह से वह स्वर्ग में गई, और संत का भावना हमेशा उनके जो दृष्टि थी हमेशा उस वेश्या के आचरण पर जाता था कि यह कैसी है। तो उनकी जो दृष्टि थी वैसे ही उनको सृष्टि मिल गई, और वह जब इस संसार से गया तो कहाँ गया, नरक में गया। क्योंकि स्वर्ग और नरक बनाने वाला, सुख और दुख को देने वाला कोई और नहीं, हम सब हैं। हमारी जैसे दृष्टि होती है वैसे ही हमारी सृष्टि का निर्माण होता है। एक संत कहे जाने वाले, जो दुनिया को शिक्षा देने वाले, आज उनकी दृष्टि के वजह से वो नरक में गया, तो सामान्य लोगों की क्या स्थिति हो सकती है। तो हम अपने कर्मों को सुधारें, और ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इस घर में जो जन्म लिए बच्चे हैं, इस घर में हमेशा साधु संतों का, सत्संगियों का आगमन होता रहता है, और पूरे परिवार का कर्तव्य बनता है कि वे अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे परिवार मिलकर के उस बच्चे को ऐसा शुभ संस्कार दे, ऐसे उनको दृष्टि दे जहाँ पर संत महापुरुषों का दर्शन हो और सत्संग हो। जैसे हम संत महापुरुषों के सत्संग सुनते हैं वैसे हमारे मन में अच्छा संस्कार बनता है। कहा जाता है माताएं तो संस्कारों की जननी होती है, क्योंकि ये जो माताएं हैं केवल जन्म नहीं देती, क्योंकि हमारे इस लोगों का कहना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देव है, लेकिन इन तीन देव मिलकर के इन सृष्टि को चलाते हैं। ब्रह्मा सृष्टि को चलाते हैं और विष्णु पालन करते हैं और शंकर संहार करते हैं, लेकिन हमारे जो ये माताएं हैं इन तीनों देवताओं को उनसे बढ़कर है, ये तीनों देवताओं से बढ़कर हमारी माताएं हैं। माताएं जन्म देती है लेकिन जन्म देकर छोड़ नहीं देती, वो पालन भी करती है, इसलिए वो विष्णु भी है, और उसके हर शोक दुख हर में वो साथ रहती है, उसके हर संकटों का सामना करने वाली और उसको हिम्मत देने वाली हमारी माताएं हैं। तो ऐसे महान माताओं के सदैव हम पूजा अर्चना करें। अभी क्या चल रहा है, देवी पूजा, उपवास कर रहे हैं और उपवास करके वहाँ फल फूल चढ़ा रहे हैं, लेकिन असली देवी और देवता हमारे माता पिता है। जिस देवता को हमने जन्म दिया, जिसको हमने काष्ठ के, पत्थर के एक मूर्ति बनाए और बना करके उसको हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमारे इस पंच भौतिक शरीर को जन्म देने वाली माँ है, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। जितना बन सके हम सब का कर्तव्य है कि अपने माता को, अपने पिता को एक पूजनी माने और पूजा करने योग्य माने, क्योंकि हमारे माँ ही और हमारे गार्डियंस लोग हैं, यही हमें अच्छे संस्कार देते हैं। तो ये संस्कार देने के लिए हमारे साहब लोग आए हुए हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। यहाँ जितने सब संत हैं अच्छी अच्छी बात बताते हैं,
लेकिन समय की अपनी सीमा है और समय का हम सबको सम्मान करना चाहिए। इसी कड़ी में मैं आपको ले चलता हूँ कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पोटिया डी के साध्वी प्रमुख साध्वी समष्टि साहब जी की ओर। आपसे भी निवेदन है कि आप भी संक्षेप में बच्चे को आशीर्वाद और उनके परिवारजनों को ऐसा बढ़िया संस्कार दें जो उन बच्चे के लिए अमृत जैसा हो। साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। आज बहुत ही सुंदर दिन है जो इस घर के प्रमुख देव सिंह भैया के सुपुत्र परमेश्वर और उसकी रितु उनकी जो बहू है रितु, उनके तीसरे नंबर में उनका पुत्र रत्न प्राप्त हुए हैं। आज उनके षट्ठी का कार्यक्रम है जिसमें दूर दूर से संत लोग पधारे हुए हैं और अतिथि लोग भी पधारे हुए हैं और आज का दिन बहुत ही अच्छे दिन है क्योंकि आज 2 अक्टूबर है, आज गांधी जी की जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। तो इस सुअवसर पर जो बालक उसका नाम शौर्य रखे हैं, वह शौर्य भी कितने सौभाग्यशाली है और उसके परिवार भी कितने अच्छे परिवार में वे जन्म लिए हैं, जिस घर में 2 संत हुए हैं और उनके घर के वातावरण इतने अच्छे हैं, उन सबों के विचार जितने परिवार हैं उनके विचार कितने अच्छे हैं और ऐसे घर में जन्म लेना कितना सौभाग्य की बात है। संसार में कितने जन्म लेते हैं और कैसे कैसे माता पिता मिलते हैं जो गलत संस्कार देते हैं, लेकिन आज इस बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली है जो ऐसे घर में पैदा हुए हैं और उसको संस्कार देने वाले उनके दादा दादी और बड़े पापा बड़ी मम्मी और उनके चाचा चाची और जितने भी परिवार के है मम्मी पापा, वो सभी संस्कारी है क्योंकि संस्कारवार घर में संस्कारवान बच्चे ही पैदा होते हैं। बच्चे के भी कितने संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म का संस्कार, माता पिता का संस्कार और वातावरण का संस्कार। तो इस घर में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो बहुत ही सुसंस्कारी है और उसको अच्छा संस्कार मिलेंगे ही और संस्कार देने वाले वाकई में दादी दादा ज़्यादा होते हैं। माता पिता से बढ़कर दादी दादा के गोद में हमेशा देखो तो बच्चे रहते हैं, माता पिता भी संस्कारी संस्कार देने वाले होते हैं लेकिन ज़्यादा समय तक दादी दादा के पास ही बच्चे रहते हैं। तो हम अपने बच्चे के लिए क्या करें, 3 संस्कार बताए हैं कि पहला तो अपने जिस घर में माता पिता बड़े बुजुर्गों की सेवा होती है उस घर में जो सम्मान होते हैं, उस घर में पवित्र व्यक्ति का आगमन होता है, साधु संतों का आगमन होता है
और दूसरा है कि हम माता पिता के अनादर कभी ना करें, उसका आदर सम्मान करें। चाहे हम उनसे ज़्यादा पैसा कमाते हो, चाहे उनसे बहुत पढ़े लिखे हो, लेकिन ये ना भूल जाए कि हमारे माता पिता तो ऐसे थे वैसे थे, कुछ भी हो लेकिन उसी उन्हीं की बदौलत है जो आज हम इतने बड़े पद पर हैं, इतने सम्मानित हैं। तो माता पिता की देन होती है, इसलिए बड़े बुजुर्गों की सेवा होना चाहिए। और दूसरा, हमारे आने जो बच्चे हैं उसको पढ़ाने लिखाने में कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कितने लोग सोचते हैं कि बच्चे को दूर जाना पड़ता है, अच्छे स्कूल में भेजेंगे तो उसके लिए इतना पैसा लगेगा। क्योंकि हम घर भी कभी भी बना सकते हैं, ज़मीन कभी भी खरीद सकते हैं, और गाड़ी मोटर जो भी खरीदना होता है कभी भी कई बार खरीद सकते हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ाने में केवल उनकी ज़िंदगी में पढ़ना एक बार होता है। इसलिए हम अच्छे स्कूल में बच्चे को भेजें, अच्छा संस्कार दें, और कितना भी पैसा लगे, कितना भी दूर जाना हो, लेकिन बच्चे को अच्छे जगह भेजे जहाँ संस्कार मिले और पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, ताकि वह बच्चे कभी अपने माता पिता के लिए ना सोचे कि मुझे पापा ने अच्छा नहीं अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया, और अगर मैं उस अच्छे स्कूल में पढ़ते तो ये बनता वो बनता, माता पिता को दोष ना दे। और दूसरा संस्कार है कि हम समृद्धशाली हैं, पैसा है हमारे पास, तो किसी की मदद कर दे। मदद करने वाले के पास प्रकृति की देन है, वो देने वाला कभी गरीब नहीं होता है, देने वाले के लिए देने वाला और मिल जाता है। तो जैसे हमारे कुटुंब परिवार में कोई कमज़ोर है जिसके पास कम पैसे हैं, तो उसको भी देते रहे। ये तीन संस्कार जिस व्यक्ति के पास होता है उसके घर में कभी माता पिता दुखी नहीं होते, बच्चे नहीं दुखी होते, और वो जिस घर के मालिक है, जो करने वाले हैं, जो संभालने वाले हैं, वो भी दुखी नहीं होते। तो ये संस्कार इस घर में हैं, इस घर में सभी लोग अच्छे हैं और संस्कारी हैं, घर में सत्संग पाठ साधु संतों का मान सम्मान होता है, और बच्चे को अच्छा संस्कार मिलते हैं, और पुण्यात्मा भी है, धर्मात्मा भी है। तो यह बच्चे बहुत सौभाग्यशाली है, वह बच्चा भी अपने जीवन में ऐसा संस्कार लेकर आए हैं और इतना अच्छा काम करे कि माँ बाप और घर परिवार गांव देश के नाम को प्रकाशित करे, और अपने जीवन को अपने जीवन की ऊंचाई पर चढ़े। यही बच्चों के लिए आशीर्वाद है, शुभकामना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। तो इस गाड़ी का सुंदर संचालन करने वाले ऐसे सुंदर देव स्वरूप देव सिंह जी आए, जिसके चौथे पीढ़ी कहा जाता है, तीन पीढ़ी तर जाता है भक्ति से, परंतु हम देखते हैं कि वे तीन पीढ़ी क्या चार पीढ़ी भक्ति के मार्ग को अपना करके हम सबके बीच में विद्यमान हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। और ये पांचवी पीढ़ी को चलाने वाले एकदम सौर्य कुमार को सौर्य समान सुंदर सुपुत्र मिला हुआ है, उनको संस्कार देने के लिए। ये घर तो ऐसा है कि संतों का तो एक डेरा ही है, आश्रम जैसा है, जो संतों का आगमन होता रहता है। ये सब पूर्वजों की देन है, और इसलिए प्रथम साध्वी जी ने भजन गया है, मृदवाणी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा सभी घर होना चाहिए। और मैं अपने जानकारी के अनुसार जानता हूँ, इस घर में जिधर भी हम देखते हैं पूरा प्रेम की गंगा प्रवाहित होती है, और सभी परिवार बड़े सुंदर रहते हैं। तो कहा विचारवान कह रहे हैं कि बुढ़ा ही होता है अगवान वंश की गाड़ी का। आज इतने पीढ़ी की
बूढ़े लोग भी अभी जीवित हैं और जो इस परिवार को ऐसे अच्छी प्रेरणा दिए जिसको ये भक्ति जागृत कर रहा है। कहते हैं भक्ति से 21 फीट चढ़ता है। यदि इसी तरह से ये भक्ति का संस्कार यदि चलता रहे तो कई पीढ़ी क्या 21,000 पीढ़ी तरता रहेगा। और ऐसा प्रत्येक ग्रस्त के घर होना चाहिए। तो ये संस्कार क्या, संस्कार छठी को संस्कार देना है। छठी संस्कार, पहले छठी होता था 6 दिन में होता था, ये रूढ़ मान्यता था, पढ़े लिखे नहीं थे। आज सब पढ़े लिखे सुज्ञ हो गए हैं, छठी को समझते हैं कि छठी का मतलब क्या है। 6 दिन में ही करना नहीं, अभी बता रहे हैं साहब जी ने बताया, 2 महीने से शायद ऊपर हो गए ना, 2 महीने से ऊपर हो गया बच्चे को आए हुए, और इस सुविधा अनुसार किया जाता है। तो आज का जो दिन है कितना सुंदर दिन है। आज का दिन महात्मा गांधी जी जो राजनीति में उसके जोड़ा नहीं और धर्म अध्यात्म मार्ग में कबीर साहब की जोड़ा नहीं, ऐसे महा मानव ने इस देश को क्या पूरा विश्व को आज़ाद किया। क्योंकि कहा जाता है ये पूरे अंग्रेज के शासन में थे, विक्टोरिया के शासन में दिन नहीं डूबता था, ऐसा सदगुरु अभिलाष साहब के मुख से सुना हूँ। तो ये अतिशयोक्ति बात नहीं, ये वास्तविकता है कि उन्हीं का शासन सब जगह चल रहा था, सब उससे व्याकुल थे, परंतु उन्होंने कोई हथियार नहीं, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर कबीर साहब के ज्ञान को लेकर इस देश को आज़ाद किया और आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक कह रहे हैं। परंतु आज़ादी का दुरुपयोग भी हो रहा है, विज्ञान का दुरुपयोग भी हो रहा है, जिसे अभी हमारे संत गुरुजनों ने बहुत सुंदर जिक्र किया कि ऐसा हम बचपना से बच्चों को कुसंस्कार देने लगते हैं। जो संत गुरुजन शिक्षा तो देते हैं 1 घंटा आधा घंटा, अब वो उड़ जाता है और वही रह जाता है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि हम सब अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा साधने के लिए ऐसा सुंदर काम करें। और समय भी बता रहा है कि हम ये समय का भी आदर करना है, हमने शायद ज़्यादा समय ले लिया, तो ये सब सुने हैं बहुत कुछ, और उसी को मनन चिंतन करें, जीवन में आत्मसात करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। और जो सुज्ञजन हैं, बूढ़ा व्यक्ति ही है, उनसे राय लेकर के, ऐसे बूढ़ा तो बहुत होते हैं, पर बूढ़ा तो ऐसे होते हैं जैसे पका फल और सड़ा फल। पका फल मीठा होता है पर सड़ जाता है तो ही कड़वा हो जाता है। ऐसा कितने बूढ़े अच्छे संस्कार नहीं रहते हैं तो चारी निंदा घर की भी और नरक बना देते हैं। और एक बूढ़ा ऐसा होता है, संस्कारवान होता है, जो अपने घर में ऐसे सुमत को फैला करके समतापूर्वक अपने घर परिवार को चलाते हैं। ऐसे हमारे परम भक्त देव सिंह जी, ऐसे हमारे बीच एक देव स्वरूप है, अब वो इस घर में ऐसा संस्कार दिए हैं, उनका आदर तो होना चाहिए। और मैं कहते हूँ पूरे परिवार आदर स्वरूप हैं, मैं सबके लिए शुभ कामना, मंगल कामना, सद्भावना रखता हूँ कि ऐसा सब परिवार हो, भक्ति करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं और सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने कल्याण करें। ऐसी मंगल कामना के साथ मैं इन संत गुरु के प्रति 3 बार बंदगी करते हुए आप सब जनों की मंगल कामना करते हुए बात को विराम देना चाहूँगा। बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहेब की जय। शायद मैंने ज़्यादा सुना, साहेब ज़्यादा समय और कम समय क्या कहा जाए, लेकिन समय तो कबीर साहब ने कहा है, काल गहे हैं केश, ना जानो कब मारी हैं क्या घर क्या प्रदेश। जो सांस गई वो लौट करके आई कि नहीं आई कौन जानता है।
इसलिए समय के फेर में सब लोग हैं। और मैं बात को न बढ़ाऊँ, सीधे आपको जोड़ता हूँ पूज्य संत श्री गुरुनेम साहब जी से कि आप बहुत लंबे समय से इस परिवार से, इस घर से, इस गांव से आप परिचित हैं और नन्हा मुन्ना बच्चा आया है और उसके परिवार वाले आपको प्रेम से बुलाएं, सभी संतों को प्रेम से आदर से बुलाए हैं। आप उन सब के सांत्वना के लिए, उनके संस्कार के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए संक्षेप में अपने आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे पूज्य संत श्री गुरुनेम साहेब जी। 2:15 से तो टाइम हमको मिला था और 2:20-22 तो ऐसे हो गया। और जो नवजात शिशु आया उनके मम्मी पापा से निवेदन है कि अपने बच्चे को लेकर के थोड़ा सुन लें, अंतिम कम से कम 5 मिनट सुन लें। और उन गांव वालों को भी जल्दी है, आप लोगों को भी जल्दी है, तो साहब लोगों को जल्दी तो हो ही जाएगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय। मंच में विराजमान हमारे सभी विद्वत संतजन, विदुषी साध्वीजन और जितने भी हमारे संत गुरुजन सुंदर विचार जो दिए हैं, ये सबको सुन करके ही नीर क्षीर का विवेक करने वाले हंसवत हमारे श्रोता समाज। श्रोता समाज में दो भाग हैं, एक मातृशक्ति है, एक पितृशक्ति है। आप सबको विदित है आज का जो कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम तो सब जो लोग हैं छठी का कार्यक्रम करवाते हैं तो नीरस नहीं होता है, सरस होता है, बड़ा उत्साहवर्धक होता है। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब जी कहा है, सद्गुरु कबीर साहब जी ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है कि जिस दिन अगर संतों का मिलन हो जाता है वो दिन और सबसे बढ़िया होता है। और साहब ने कहा कि जब संतों का मिलन हो जाए तो अंग भरे भर बेटिया पाप सरीरा जाए, और कबीर सोई दिन भला जा दिन संत मिलाए। छठी तो हर घर में होता है, किसी के घर में नहीं होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन संतों का समागम किसी किसी के घर में होता है। इसलिए आज संतों का समागम हुआ है, बहुत सुंदर संस्कारों की बात विभिन्न प्रकार से अपने अपने विचारों के माध्यम से प्रकाश डाला इस जन समाज को, परिवार को। मैं तो कहता हूँ आगे और पीछे की बात नहीं लेकिन वर्तमान की बात। अभी इतनी सुंदर भाव से जो होना चाहिए परिवार में वो है। कभी कभी कुछ ऊंचा नीचा हो जाता है तो विनोद करके ही उसको ठीक किया जा सकता है। कल ही विनोद किया था मेरे सामने में, हमने सामने में, लेकिन उस विनोद में कोई बहुत खटास नहीं था, मिठास था। विनोद तो खटास था लेकिन उसमें मिठास था, समझते हैं लोग। तो आज छठी संस्कार है, छठी संस्कार में बहुत बड़ा सुंदर संस्कार होता है। संस्कार जो शब्द है, ये संस्कार शब्द है जैसे एक रत्नों में मणि होती है, रत्नों में मणि, और मणि में प्रकाश दिखाई पड़ता है। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी प्रकाश हो, चाहे 1000, 2000, 4000 वाट के प्रकाश क्यों ना, लेकिन उस प्रकाश चाहे जितना भी हो लेकिन उसके पीछे तरफ अंधकार रहता है। मणि एक ऐसी वस्तु है जिसके किसी तरफ अंधकार नहीं होता है, चारों तरफ प्रकाश रहेगा।
इसी प्रकार से संस्कार में अंधकार का नाम नहीं होता है। इसलिए संस्कार बड़ा सुंदर शब्द है। और संस्कार का मतलब ही क्या होता है? संस्कार का मतलब ही होता है अच्छे विचारों, अच्छे विचार। और अच्छे विचार जब मनुष्य के पास आ जाता है तो कर्म भी अच्छा होता है, धर्म भी अच्छा होता है। अच्छा विचार अगर मनुष्य के पास ना आए तो ना कर्म बनता है ना धर्म बनता है। अच्छे विचार आ जाएं तो दोनों अच्छा बनता है। वैसे इस परिवार के लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और सबसे ज़्यादा अगर कहीं मैं इस परिवार में आना होता है तो इसी परिवार में होता है सबसे ज़्यादा, कभी भी। और बेहिचक जिसको जो कहना है मैं कह देता हूँ, और जिसको जैसा भी दुलारना होता है तो मैं दुलार भी देता हूँ। और शायद निजी और पराय परिवार होते हैं तो शायद मैं कहता हूँ कि जो निजी परिवार कहते हैं उससे भी ज़्यादा कहीं घुल मिल करके रहना होता है। क्यों रहना होता है? अगर इसी परिवार में थोड़ा सा भी अगर विचारों में अनमेल अगर कहीं हो जाए तो कल भी आना बंद हो जाएगा, आज कितने परिवार हैं जहाँ 40-40 वर्ष हो गया है, तो कबीरपंथ से दीक्षित हैं लेकिन जाना नहीं होता है। जैसे अभी कहा ना कि मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ को हम पूजा कर लेते हैं, भक्ति समझ लेते हैं, लेकिन वो पूजा और भक्ति नहीं है, वो तो एक मनोरंजन का साधन है। लेकिन है तो कटु लेकिन सत्य है, तो इसी प्रकार से इन सब विचारों को, हम प्रबुद्ध जीव हैं, विवेकी जन हैं, और बहुत लंबे अरसे तक हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें सद्गुरु कबीर का सुंदर विचार हमको आत्मसात करने का ये अवसर प्राप्त तो हुआ है, लेकिन उसको हम संजो करके रखें, उसको कभी हम धूमिल ना होने दें, मिटने न दें। और वो तो नहीं मिटेगा, विचारों किसी महापुरुष का नहीं मिटता है। अगर उस विचारों को हम अवहेलना करते हैं तो हम मिटते हैं, ये प्रकृति का नियम है, वो अटल है और सत्य है जो कभी वो मिट नहीं सकता है। इसलिए आज ये तृतीय रत्न है जो पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त हुआ है, मैं दोनों रत्न को समान मानता हूँ और बेटियों से और ज़्यादा प्यार करता हूँ। बेटा जो लोग होते हैं ना, लोग बदमाश होते हैं, उज्जट होते हैं, बेटी बड़े प्रेम से मान ले, बड़ा प्रेम से मानते हैं, उसमें मातृत्व की शक्ति होती है, इसलिए सरलता उसके अंदर में देखा जाता है। तो रत्न हमारे दोनों हैं, चाहे पुत्री रत्न हो चाहे पुत्र रत्न हो, दोनों रत्न हमारे समान हैं। और दोनों एक शरीर का एक भुजा है, जैसे दो हमारी भुजाएं हैं ऐसे दो भुजा हैं। लेकिन आप सब जानते हैं भुजा तो है हमारी दोनों, शरीर में हमारा है, हम ही उसको संचालन करते हैं। लेकिन आप जानते हैं दाहिना जो भुजा है वो ज़्यादा सबल होता है, ये थोड़ा कमज़ोर होता है। नहीं करके देख लो, एक चीनी बाटी ले लो, इसमें मारो तो फटाक से दूर जाएगा, और इसमें मारो तो यही रगोड़ी गिर जाएगा। तो ऐसे हैं दोनों में, लेकिन दोनों रत्न हैं। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर ढंग से कहा है, जननी जने तो भक्त जने कह दाता कह सुर, नाही तो तू बांझ रह काहे गवाए नूर। इतनी सुंदर निर्देश दिए हैं उस माता के लिए। माता को मैं धन्यवाद देता हूँ, अगर माता न हो तो इस सृष्टि का विकास ही न होता। तो इसीलिए योगदान तो दोनों का है, माता और पिता का, लेकिन ये ऐसी रत्न है। तो जननी जने तो भक्त जने कह दाता कह सूर, माता पुत्र को जन्म देने के लिए
कोई सामान्य सी बात नहीं है। अपनी जानों को हथेली में लगा करके ही और जन्म देती है। और कितने माताएं ऐसे हैं जो जन्म देते देते ही उस जन्म से दूर हो जाती हैं, बच्चे भी दूर हो जाते हैं, वो भी दूर हो जाती हैं। तो इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी तपस्या है और बहुत बड़ी तुम्हें दुख उठाना पड़ता है। मैं कहता हूँ कि जन्म देने में जितना कठिनाइयाँ होती है उनको शायद संस्कार देने में उतनी कठिनाई नहीं होगी, उतनी कठिनाइयाँ नहीं होगी। लेकिन आज भौतिक युग में, आज भौतिक युग में, भौतिकता के आंधी में हम बहुत कुछ बच्चों के लिए आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम करते हैं, धन का खर्च करते हैं, समय का खर्च करते हैं, लेकिन शायद उसको संस्कार देने में उतना हम खर्च नहीं करते। हम देखते हैं सवेरे से लेकर के उसकी टिफिन तैयार करते करते पूरा उसका 4 घंटा बीत जाता है, बीत जाता है। थोड़ी सी बच्चा जब चलने लगे तो बेटा बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके जाओ, आओ तो प्रणाम करके जाओ, कभी गलत विचारों का वहाँ पर नहीं होने देना, गलत शब्दों नहीं बोलना, ये थोड़ा थोड़ा उसको बस इंगित करते जाइए आप। अगर गलत रास्ते पर जाता है तो बस उसको थोड़ा सा सही रास्ते के लिए उसको मार्गदर्शन कर दीजिए, तो निश्चित है जीवन कितना बढ़िया बनता है, कितना बढ़िया बनता है। हम श्रवण की कथा सुनते हैं, ध्रुव प्रह्लाद की कथा सुनते हैं, भक्त प्रह्लाद की कथा सुनते हैं, अरे जब वही हमारे बच्चे भी ऐसे जब हो जाएं, तब कितना आनंद आएगा। कथा सुनने में तो इतना आनंद आता है, लेकिन हम अपने बच्चे को वैसे बनाने में अगर बना लें तो और कितना आनंद आएगा। ध्रुव इतनी मातृभक्त थे, भगवान के भी भक्त थे। आज साहेब कह रहे थे कि परमेश्वर को मैं नहीं जानता हूँ। आप नहीं जानते हैं परमेश्वर को, दुनिया जानते हैं लेकिन देखे नहीं है परमेश्वर को। हाथ उठा के सब कहते हैं परमपिता परमेश्वर, आज तक कोई बता दें? दादा बाबा परपाजा को भी पूछे तो वो भी नहीं बताएगा, बस कहते आए हैं। लेकिन वास्तविक परमेश्वर और वास्तविक हम लक्ष्मी कहें, सावित्री कहें, दुर्गा कहें, जो कुछ वह कहें, दोनों बैठे हुए हैं। इसलिए हमारे जीवन में वर्तमान में बहुत अच्छा जो कुछ करना चाहिए, सास ससुर के प्रति, अपने पति परमात्मा के प्रति, बच्चों के प्रति जो भी करना चाहिए, इस परिवार बड़ा सुंदर ढंग से और आए हुए हमारे अतिथि अभ्यागत और संत महात्माओं का यथाशक्ति भरपूर उसका सत्कार करते हैं और भाव भक्ति को बनाए रखे हैं। निश्चित हैं ये विचार हमारे होनहार बच्चे पर पड़ेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। संस्कार तो साहब लोग कह दिए कि बच्चे को क्या संस्कार देंगे, बच्चे तो अबोध हैं। लेकिन आप जानते हैं जो हम आज बोल रहे हैं ये सब उसकी धरोहर के रूप में रहेगा। यही बच्चा एक आगे चल करके दादा के साथ में कहीं किसी के घर में छट्टी में जाएगा, छट्टी के घर में अगर जाएगा जो नाश्ता खाने के लिए, वहाँ पर कहेगा कि दादाजी क्या हो रहा है, कहे बेटा छट्टी हो रहा है। और क्या होगा, वो तर्क बुद्धि लगाते लगाते वो सब कुछ पूछ लेगा, क्या हमारे भी ऐसे छट्टी हुआ था क्या? हाँ हमारे भी छट्टी हुआ था, तुम्हारी छट्टी में कौन आया था? तो कहे संत महात्मा लोग आए थे। क्या कहते हैं संत महात्मा? तो संत महात्मा कहते हैं कि बेटा, संत महात्मा यही कहते हैं कि माता पिता की सेवा करना, दादा दादी की सेवा करना, समाज की सेवा करना और अच्छे विचारों पर चलना। आज की उसकी जो क्वेश्चन जो लेंगे उस दिन, तो आज वो धरोहर के रूप में है। निश्चित है एक शब्द भी उसके जीवन में अगर कहीं संत महात्माओं का अगर उसके जीवन में अगर पड़ जाए तो उसके सारे जीवन सुधर सकता है। आज बच्चा अबोध है लेकिन उस दिन बच्चा जरूर प्रबोध हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक कहीं अनर्थ नहीं जाता है,
हम ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चा आज नहीं समझ सकता है, लेकिन कालांतर में आज का जो अच्छी की हुई जो उसकी क्रियाकलाप है वो कालांतर में उसको धरोहर के रूप में वो साथ देगा। इसलिए आज हमारे सौरव कुमार जी को और बहुत बहुत बधाई हैं, उसके माता पिता को बधाई हैं, पूरे परिवार को बधाई हैं और आप सबको भी बधाई हैं जो उसके आज इस कार्यक्रम में आप सब अपने अमूल्य समय निकाल करके ही और बच्चे को सुभाषिस्वाद प्रदान करने के लिए या इस परिवार को सुभाषिस्वाद प्रदान करने के लिए आप सब अपना समय का योगदान दिए, इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और उस बच्चे को भी धन्यवाद कि जीवेम श्रद्धा सतम पश्येम श्रद्धा सतम श्रीन्याम श्रद्धा सतम। 100 वर्ष तक सुंदर जीवन मिले, 100 वर्ष तक सुंदर नेत्रों से संत महात्माओं बड़े बुजुर्गों का दर्शन लाभ मिले, ऐसा सुंदर उसको ज्योति मिले और 100 वर्ष तक कानों से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसी शब्दों के साथ मैं उस बालक को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और उसके परिवार को धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूज्य साहेब श्री गुरुदेव साहेब जी को कि आपने संक्षेप में सबके लिए अच्छे संस्कार और बच्चे को बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। मैं भी अपने तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ कि जो छठी का संस्कार कहते ब्रह्मा जी छठी के दिन आते हैं उनका लिखने कलम कर्म लिखने के लिए, यहाँ पर आज 9 दिन बाकी है 3 महीना में, तो युक्ति से लगाते लगाते 11 महात्मा यहाँ पर पहुँचे हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए उनके संस्कार में छठी के दिन। एक एक आशीर्वाद आप लोग बचा कर रखिएगा, जो बच्चे को टीका आप लगाएंगे तो उस समय एक भाव प्रदान करिएगा कि मेरे तरफ से बच्चे को ये आशीर्वाद लगे, जो भाव आप देंगे उनको वो लगेगा। 6 संस्कार दिए जाते हैं छठी के दिन, 6 संस्कार मेरे तरफ से ये मैं संस्कार मानता हूँ कि बच्चा बड़ा हो तो ज्ञानवान हो, धनवान हो, बलवान हो, शीलवान हो और मधुरभाषी हो और अंतिम में आत्मवान हो, आत्मज्ञानी हो। ये उनके जीवन में फले फूले ऐसा पाठ पढ़ाएंगे माता पिता तो जरूर उनको वो भाव लगेगा। यही संतों की तरफ से मेरी ओर से सबको शुभकामना है कि सब लोग जो बच्चे को अभी झूलना झुलाएंगे बुआ लोग उसके दादा दादी लोग तो ये झूलना झुलाते झुलाते गीत गाते गाते ये प्रबोध देना ये भाव देना कि मेरा बच्चा ज्ञानवान हो आत्मवान हो ज्ञानवान हो ये देना, क्योंकि माता बहनें लोरी सुनाते सुनाते उनको बैराग का लाइन लगा देती हैं, बैराग के पथ पर आगे बढ़ा देती हैं। ऐसे ही आप उसको शुद्ध हो बुद्ध हो मुक्त हो ज्ञानवान बनाइए। धनवान तो आप पैदा होते अपने आप धनवान बन जाता है। श्री देव सिंह जी अपने नाती को कहेंगे, नाती नहीं कहेंगे, वो पूछेंगे कोई नाती कहेगा, उनकी उंगली पकड़ के चलने से कहे बेटा इधर आओ बेटा इधर आओ, नाती धराओ नहीं कहेगा, क्या कहेगा बेटा इधर आओ। तो ये बेटा और पुत्र बाप और बेटा में ही वल्दियत चलती है, नाती में वल्दियत नहीं चलती है। कोई पूछेगा कौन है तो भले कहेंगे ये बेटी नाती है बेटा नाती है ऐसा कहेंगे, लेकिन साथ साथ उंगली पकड़ के चलाएंगे तब बेटा इधर आओ बेटा गिलास में पानी लेके आओ ऐसे ही कहते हैं, चाहे भतीजा भी हो तो और भांचा होगा तो और चाहे नाती होगा तो बेटा ही से संबोधित होता है। तो ये बेटे और बाप का वल्दियत चला करता है। तो सभी जितने यहाँ पर बुजुर्गगण हैं सब अपने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, धन देना चाहे न देना, कार देना चाहे न देना, संस्कार जरूर देना, समय देना, समय महत्वपूर्ण है। आज का समय मोबाइल में बीता जा रहा है, बच्चे के लिए समय नहीं है, बच्चे को समय देना। एक बच्चा पढ़ करके आया और कहा कि पापा मेरे को 50 रुपया, आप पूछा पिताजी से पिताजी आप कितना कमाते हैं, कैसे क्या मतलब कितना कमाऊं, कहे नहीं पापा बता दो ना, तो कहे कि मैं 100 रुपये रोज कमाता हूँ, 100 रुपये रोज कमाता हूँ। अच्छा पापा मेरे को 50 रुपये दे दो ना, कहे क्या करेगा 50 रुपये, दे दो ना पापा 50 रुपया।
अरे तुमकी आवश्यकता क्या चीज़ है, कलम चाहिए कि पेन चाहिए कि खाने पीने सामान चाहिए, वो मैं ला दूंगा। नहीं पापा 50 रुपया दे दो ना। तो जब नहीं माना तो उसको झिड़क दिया और बच्चा बेचारा दुखी होकर के अपने बिस्तर पर चला गया। अब वो औंधे मुँह लेटे लेटे बस ऐसे औंधा पड़ा था। तो बाप के मन में आए कि अरे बेटा मांग रहा था 50 रुपया दे देते गया। फिर गया कह बेटा तुम 50 मांग रहे थे। हाँ पापा मांग रहा था। तो ले 50 रुपया। तो लिया 50 रुपया और वो तकिया के नीचे रखने लगा तो देखा 50 रुपया पहले से वहाँ पर है। तो कह बेटा तुम्हारे पास तो 50 पहले से है। कह यही मैं जोड़ रहा था, 50 मेरे पास है, 50 आप दे दे तो ये 100 हो गया। ये 100 रुपया आप ले लीजिए और कल 1 घंटा पहले आप आइएगा। घंटा 100 रुपया कमाते हैं तो 1 घंटा पहले आइएगा, उसकी मजदूरी मैं आपको देता हूँ। मैं आपके साथ खेलूँगा, मैं आपके साथ भोजन करूँगा, आपसे बातचीत करूँगा, आपसे कहानी सुनूँगा। देखिए बच्चे का दर्द क्या है कि पिता हमको समय नहीं देते। समय देना उनको सिखाने के लिए, उनको कहानी सुना। आजकल मोबाइल पकड़ा देते हैं, मोबाइल में बच्चा वही पे देखा करता है। तो उनको गोदी में लेकर के कहानी सुनाना, अच्छी अच्छी कहानी सुनाना, ये उनको शुभ संस्कार देना है। सबके प्रति ये शुभकामना है और बच्चे के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। देखो बढ़िया खेलते खेलते मस्त देख रहा है। एक दोहा इन्होंने लिखा बहुत अच्छा, कुदरत में जब छेड़ा सरगम सपनों को आकार मिला, धन्य हुआ मेरा भी घर आंगन चांद सा जो उपहार मिला। बहन रीता जी को ये सुपुत्र हुआ है, तीसरा है ना, तीसरा। अब 3 बहुत है, आप लोग कड़ा मानो चाहे सादा मानो, 3 बहुत है। उनकी सेवा करना, बेटी बेटा में अंतर न मानना। बेटी अभी साहब हमारे बता रहे थे, बेटी तो और अंतरिक्ष में जाने वाली है, कल्पना चावला बेटी तो है। राष्ट्रपति अभी कौन है, हैं? अभी राष्ट्रपति हमारी कोई बेटी ही है, माँ ही है। इसके पहले एक और राष्ट्रपति हो गई हैं, वो भी राष्ट्रपति, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हो गई, अंतरिक्ष में उड़ने वाली हो गई, ट्रेन चलाने वाली हो गई। इन बेटियों की इज्जत कम न रखना। जो बेटियों का सम्मान करेगा वो लक्ष्मी का सम्मान करता है। ये कभी कभी कोई कोई लक्ष्मी थोड़ी नाराज़ हो जाती हैं तो वो थोड़ा नाखुश होकर के कहती हैं कि क्या मम्मी पापा मेरे को जाने नहीं देते हो यहाँ पर, और भाई आता है वो मोटरसाइकिल लेके 11-12 बजे रात आता है तो उसको कुछ नहीं कहते हो। अब मैं थोड़ी देर हो गई स्कूल से, तो कहाँ गए थे, कब गए थे, क्यों गए थे, तमाम प्रश्न लगाते हो। हम लोग को स्वतंत्रता नहीं है, ऐसे उनके मन में उबाल आता, स्वाभाविक उबाल आना। एक संत के पास जा कर के बेटी ने अपना दुखड़ा रोया। महात्मा जी आप भी जो है इन बेटों का पक्ष लेते हैं, हम लोग का पक्ष नहीं लेते हैं। हम लोग बड़ी पाबंदियाँ हैं, ऐसा पहनो ऐसा ना पहनो। तो संत बड़े सरल भाव से कहे, अच्छा बेटो बेटी देखो तुम्हारे घर में लोहा है कि नहीं है। हाँ लोहा पड़ा है ना, उस सड़क पर पड़ा रहता है लोहा, ये थ्रेसर प्रेसर जितना लोहा लकड़ी तो है, गाड़ी भी बाहर खड़ी रहती है। ये अच्छा तुम्हारे घर में सोना चांदी अंगूठी अंगूठी है कि नहीं है। हाँ है। और सोना चांदी का हार वार उसको कहाँ रखते हो, आलमारी में। और आलमारी के अंदर अंदर छोटा क्या कहते हैं, लाकर, लाकर में रखते हैं। तो उसको तो बाहर नहीं फेंकते हो, कहने उसको कैसे बाहर फेंकेंगे। संत ने कहा ये बेटियाँ हीरे जवाहरात सोना चांदी जैसी है, इसको संभाल के अंदर रखना पड़ता है। ये बेटे तो लोहा लखड़े पड़े रहे 12 बजे रात तक बाहर, कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसा सम्मान दें। उनको बेटी को रोना आ गया, संत के पाँव पकड़ा कि बेटियों का संत जितना सम्मान करते हैं कोई सम्मान नहीं करता है। तो लक्ष्मी के सम्मान करना, बेटियों का सम्मान करना। बेटों को ज़्यादा बहुत आप तुल दोगे ना तो वही बिगड़ते बिगड़ते वो बिगड़ जाएगा। प्यार देना, लेकिन प्यार के साथ साथ अनुशासन भी देना। 5 साल तक पूरा प्रेम दुलार, लेकिन 5 से ज़्यादा हो जाए थोड़ा सा कड़ी दृष्टि रखना, गलत बोलने न पाए, गलत सीखने न पाए, अच्छा संस्कार देना। यही 6 संस्कार में मेरे को थोड़ा कहना था। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूज्य संतों को जो अपना समय दिया, आशीर्वाद दिया। और रीता बहन को निवेदन है कि आप बच्चे को लेकर के आएँ। देव सिंह जी चंदन दे दीजिए, संतजन चंदन लगा करके इनको संस्कारित करेंगे बच्चे को। और सभी संत एक एक आशीर्वाद स्वरूप उनको आशीर्वाद दे। चंदन, चंदन ही पर घिसा रखा है, चंदन है पर है तो चंदन इसमें है क्या, लाए हैं चंदन, चंदन है सर, देखा चंदन नहीं है।
लगाने वाले चंदन ही से है। गुलाल कुछ भी थोड़ा टीका लगाने का दे दो। हाँ कुछ दे, चलाओ थोड़ा सा। चंदन नहीं खो रहे हो का? एक फूल ले आओ, एक फूल ले आओ, अभी चंदन हम बना दे। देखो फूल थोड़ा रगड़ तो प्रसाद बन जाए। कोई भी लाल, यही लाल होगा ना, ये वाला हो जाए। थोड़ा रगड़ तो साहब जी, वह थोड़ा सा रगड़ के चंदन। परमेश, हाँ आ जाओ परमेश। वो खटिया के नीचे है ना, मेरे पलंग के नीचे, उसी में इतनी बड़ी डब्बा है चंदन के लिए। ले आओ पानी, ले आओ पानी। हाँ थोड़ा पानी ले आओ। अरे बहुत देर। और साध्वी सुप्रज्ञा साहब से निवेदन है कि इसके बाद में थोड़ा सा सोहर गा देंगे आप। अच्छा, ये साध्वी लोग चली जाएंगी, अब आरती पूजा होते रहे उसी में थोड़ा गा दीजिएगा तब तक। हाँ सोहरे गा दे, कोई बात नहीं। चंदन अच्छे को लगा देंगे, और मन से भाव से आशीर्वाद उनको देंगे। ये माइक दे देता है। एक माइक और है तो एक माइक और दे देना भैया, वो साहब को दे। लाओ भाई जल्दी ले आइए, ले आइए, ले आइए। बोलिए सदगुरु देव की जय। परम पूजनीय साहब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों तथा मेरी माताओं, मेरी भी आज्ञा हुई है आज्ञा पालना, एक सोहर गीत प्रस्तुत है। जने मिलने बड़े भागी माता, पिता अनुरागी माता, पिता अनुरागी हो ललना, तुम्हारे हर बजते बधैया ललन, सुख पावल हो ललना, तुम्हारे घर बजते बधैया ललन, सुख पावल हो। धन्य धन्य माता हो तुम्हारी ममता है, जिसकी प्यारी ममता है, जिसकी प्यारी हो ललना, दस मास हो धर्म राखे संकट सहे भारी हो ललना, दस मास हो धर्म राखे संकट सहे भारी हो। जन मिलन बड़ भागी माता, पिता अनुरागी माता, पिता अनुरागी हो ललना, तुम्हारे घर बजते बधैया ललना, सुख पावल हो ललना, तुम्हारे घर बजते बधैया ललन, सुख पावल हो। धन्य धन्य
माता हो तुम्हारे भाग्य होवे उजियारी, भाग्य होवे उजियारी हो ललना आए हावे संते तोरे द्वारे सोहरे सब गावल हो ललना आए हवे संते तोरे द्वारे सोहरे सब गावल हो धन्य धन्य सब परिवार खुशियाँ हैं बौछारे खुशियाँ हैं बौछारे हो ललना सब मिले आनंद मनावल सोहरे मंगल गावो ललना सब मिले आनंद मनाव सोहरे मंगल गावो जन मिल लन बड़े भागी माता पिता युग युग जिए लाखों साल रहेगा भाग्यशाली रहेगा भाग्यशाली हो ललना आशीष हमरो है आज रहेगा खुशहाली हो हमरो है आज रहेगा खुशहाली हो जन मिल लन बड़े भागी माता पिता अनुरागी माता पिता अनुरागी हो ललना तुम्हारे घर बजथे बधई सुख पावल हो ललना तुम्हारे घर बजथे बधई ललन सुख पावल हो बोलिए सदगुरु देव की जय। श्री परमेश्वर जी और श्री देव सिंह जी से निवेदन है कि जल्दी से आकर के आप गुरु पूजा का कार्यक्रम संपन्न करावें और समय भी कोई भी भजन गए। अभी हम लोग हमारे साधु बहनों के द्वारा बहुत ही सुंदर सोहर रूप भजन और बड़ा सोहर आप लोग शाम को भी भजन संध्या होगी उसमें दादा दादी बुआ बुआ जितना झुलाना झुलाइएगा लेकिन इतना ना झुलाइएगा कि बेचारा वो रोने लगे है ना। हंसी खुशी का दिन है और ऐसे मंगलमय सबका दिन बीते और हम लोग कभी कभी छठी मनाए होंगे इसको भी थोड़ा याद रखना कभी साहब का ज्ञान को लेके जाना कि कभी हम लोग की भी छठी मनाए होंगे तो एक दिन बरही भी मनाई जाएगी। बरही का मतलब समझ रहे हैं ना जिस दिन अंतिम विदाई होती है उसके 12 दिन बाद को बरही कहते हैं जो जन्म लिया उसको एक दिन यहाँ से विदा होना पड़ता है तो जिसकी छठी हो चुकी उसकी बरही भी होगी ये भी याद रखना है इसलिए अहंकार न करना। आ जाओ भाई जल्दी कर लो। हाँ पूजा पूजा कर लो। बोलिए सदगुरुदेव की जय। चलो पूजा करते रहो। तन सुंदर हो मन सुंदर हो जीवन तेरा असन बसन सब सुंदर हो सदगुण तेरा
सदा सुखी रहे लाल तुम मीटे सकल कलेश सदगुरु रक्षा करे रहे न दुख लवलेश। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आई है खुशी या बहार हो हमार ललना हमरे द्वार माँ। आई है खुशिया बहार हो हमार ललना हमरे द्वार माँ। आनंद है छा आनंद हमारे दुलरू भर गे किलकारी माँ। आंगन हा हमरे दुलरू भर गे किलकारी माँ। जीरा माय आनंद छागे हमरे दुआरी माँ। धने खजाना मिल गे भाग माँ हमार ललना हमरे दुआर माँ। धने खजाना मिल गे भाग माँ हमार ललना हमरे दुआर माँ। आई है खुशिया बहार हो हमार ललना हमरे द्वार माँ। माता के ममता हावस पिता के दुलार हो। माता के ममता हावस पिता के दुलार हो। घर में फुलवारी महके तुम्हारे अवतार हो। घर में फुलवारी महके तुम्हारे अवतार हो। जग में गे लागे घर परिवार हो हमार ललना हमरे द्वार माँ। जग में गे लागे घर परिवार हो हमार ललना हमरे द्वार माँ। आई है खुशियाँ बहार हो हमार ललना हमरे द्वार माँ। जीवन खुशहाल होगे मन मोर निहाल होगे। जीवन खुशहाल होगे मन मोर निहाल होगे। जिंदगी में जोत जल गे मिट गे अंधकार हो। जिंदगी में जोत जल गे मिट गे अंधकार हो। मिट गे अंधकार हो सदगुरु के आशीष हमार हो हमार ललना तुम्हारे द्वार माँ। आए हैं खुशियाँ बहार हो हमार ललना हमरे द्वार माँ। मानो अवतार मिले मोक्ष के द्वार मिले। जो कोई भी संतोष मानो अवतार मिले मोक्ष के द्वार मिले। जो लोग दाई के दुलार मिले सुना हमार हो। दाई के दुलार मिले सुना हमार हो। खूब खूब बधाई हो ललना खूब खूब बधाई हो। ढेर ढेर बधाई हो हमार ललना हमरे द्वार माँ। खूब खूब बधाई हो हमार ललना हमरे द्वार माँ। आई है खुशियाँ बहार हो हमार ललना हमरे द्वार माँ। आई है खुशियाँ बहार हो हमार ललना हमरे द्वार माँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरुदेव सदगुरु मुक्ति दाता तेही धूप दीपले पूजिए भाले चंदन पुष्प चरणों हार गले महादी
कीजिए कर जोर करिए स्तुति गुरु तरण तारण दयाल हो क्षमा करो अपराध साहिब दीन जीवन बार हो आप पार के रूप साहिब जानते सब माह की मैं अधम करनी जीव सदगुरु नाहीं कछु लायकी गुरु करते हों मैं विनती जो सुनिए जो दीन अनाथ की अधम उदारण भो भयार जीवन करते सनाथ की जगत स्वामी अजीत साहिब परख गुण को गहि सके दया क्षमा दियो ये जिन में आप को सो ले सके मो में सद गुण नाही साहेब लहू मैं कैसे आप को बार बार मैं करत विनती शरण लीजे दास को शरण शरण मैं शरण हूँ कहत बने कछुना जानते हो सब के ही सर वो परि गुरु माय करुणा निधि स्वागत में मंगल करण शुभ आइए बोले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाई है पंथ नाना जगत में निज निज गा रहे सब का बताक सारे सारे विशुद्ध बोध कराई करुणा निधि है स्वागत में मंगल कर शुभ आइए भोले हुए निज दास को शरणों में ले अपनाइए कामा दिखल दल संग है सत मार्ग में आगे खड़े गुरु ज्ञान ऐसी परदान करते मारे चार मिलाई करुणा निधि स्वागत मंगल करण शुभ आइए दास का यही है विनय गुरु तरण तरण दयाल हो कहाँ यहाँ अब तो हो गए तब
चल गा दर्शन दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम रे दर्शन की बलिहारी दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम रे दर्शन की बलिहारी तुम रे दरस से संकट कटत है तुम रे दरस से संकट कटत है दर्शन की बलिहारी दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी संत स्वरूपी आप कृपा निधि संत स्वरूपी आप कृपा खोलते भर में की वारी गुरु जी तुम्हारी दर्शन की बलिहारी दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी आरती जला लीजिए आरती जलाओ चलो अब गाँव श्री देव सिंह जी के पोते का नाम रखा गया है शौर्य कुमार शौर्य कुमार की जय क्योंकि उनकी उन्हीं के ही कारण हम लोग आए हैं शौर्य जैसा नाम है वैसा सब में शौर्य उनको बनाना ज्ञान में और धन में विद्या में बुद्धि में सब में आप सब लोग खड़े हो जाइए आरती होगी तो संत लोग बैठे रहें बाकी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं हाँ ले आ जाओ दोनों जन परमेश्वर आओ दोनों जन आरती अगरबत्ती न अलग कर लेना नहीं तो गिरेगा हाँ, मन ले चलो जल्दी करो हाँ ये तो गिलास आवे हमारे को चलो आरती हो आरती हो आरती गरीबनी माँ जैसा है आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो ज्ञान सुरती ज्योति जहाँ जागे साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती करो सतगुरु साहेब की जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो दर्श परस गुरु चरण शरण भयो टूटी गयो मैं जाल साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो
साहिब कबीर संतन की कृपा से भया हो परख पर साहिब आरती हो आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो आरती दीन दयाल साहिब आरती हो दास जान निज आपनो विनती सुनिए मोर विनवत हो कर जोरी के गुरु शरणागति तो काम क्रोध मद लोभ में नित में रहूं भुलाए दीन दास प्रभु जाने के लीजे बंदी छुड़ाए मम दृष्टि महामलिन है खानी वाली के बीच दया करी गुरु बोधि मैं हूँ अधम यति निष्काल जाल बहु फेर में परि मैं निपट गवार शरण आए की लाज साहेब लीजे उबार मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने बंद छोड़े यह दीजिए वरदान सदाया साहेब के दरबार में कमी काहु के नाही बंदा मोहि पावे नहीं चूक चाक लीवाय ना गुरुर अधिकम तत्तम ना गुरुर अधिकम तपा गुरु ज्ञानं परं नास्ति तस्मै सद्गुरवे नमः ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ते पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरुप्रत्रं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरम् बंदाओं सनम पारे शीश भेंट धरि हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साहे बंदगी साहे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। सब संत महात्माओं की जय। भक्त समाज की जय। शौर्य कुमार की जय। उनके माता पिता की जय। उनके दादा दादी की जय। उनके नाना नानी की जय।